हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। हम अपने मिक्सी जार में चटनी, मसाला, बहुत सी ऐसी चीज़ें पीसते रहते हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इस तरह निशान पड़ जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही गंदा सा लगता है। तो आज हम लोग इसे आसान तरीके से कैसे साफ़ करें ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी का निशान है, उसे टच कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मिक्सी जार में 1 चम्मच नमक लेना है और 1 चम्मच खाने वाला सोडा, यानी मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। और अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा है। और फिर आप इसमें कोई भी डिश वॉश डाल लीजिए। आप चाहें तो अगर डिश वॉश नहीं है तो आप कोई डिटर्जेंट डाल लीजिए 1 चम्मच। और अब हम अपने मिक्सी जार को बंद कर लेंगे और बंद करके इसे 1 मिनट के लिए हम चलाएंगे, थोड़ा रुक रुक के चलाएंगे। मैंने इसे 2-3 बार रुक रुक कर चलाया है, तो आप देखिए इसकी सारी गंदगी निकल गई है। तो एक बार हम इन्हें देखते हैं। देखिए, मैं अभी आपको धोकर दिखाती हूँ इसे। तो आप देख सकते हैं हमारा जार बिल्कुल क्लीन हो गया है। पहले ये बिल्कुल पूरा पीला पीला और दाग सा बना हुआ था, लेकिन ये देखिए कितना साफ़ हो गया है झटपट से। तो फ्रेंड्स, ये होती तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे किचन में बहुत काम की चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं अगली टिप के साथ।